ये है मेरा जन्नत कश्मीर, हाय हाय हाय, सनसेट क्या ही खूबसूरत लग रहा है ना। ये लो जी, जिसका डर था वही हो गया, हाईवे से लाके सीधे ऑफ रोडिंग पे पटक दिया। हाउ यू इद्रीस फ्रॉम कश्मीर ओनली फ्रॉम बैंगलोर। हेलो अस्सलाम वालेकुम आदाब, ठीक छू, खुश पर छू, दिस इज इद्रीस मीर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे और बहुत ही मजे में होंगे। वेलकम बैक टू द न्यू फ्रेश व्लॉग। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जयपुर में हमारी बस हो गई है, इतने सारे लोग जो है हमें अलविदा करने के लिए आए, हम घर जा रहे हैं। कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 15 लोगों के बराबर है सारे, और एक कैमरा के पीछे भी। बस हो गया। तो जयपुर में हमारी बस हो गई, एक हफ्ता हमारा यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा निकला। अब हम वापस जो है घर की तरफ जा रहे हैं। जयपुर से कश्मीर की राइड जो है वो शुरू कर रहे हैं हम अभी। बाइक जो है वो लोड हो चुकी है पूरी। पर थोड़ा कलमात अच्छा पोज बन जो वाला शेर वो मून वाला वाला मजाक रोस्ती कैसे रीत आज भाई आपको आएगी याद सच बोलना सर। बिल्कुल बिल्कुल पक्का ना? पक्का। अज गई बदा। तो चले चलो दिल, अल्लाह हाफिज। एक वॉइस बदल जिम मैन, चल चाहिए यार पोज बन जी। चलो चलो, ये हमारा पीजी, इसको मिस करेंगे एक महीने के लिए, फिर आएंगे अब धूप के बाद वापस। तो चले जी अभी अपना सफ़र जो है शुरू करते हैं, ब्लॉगिंग शुरू करते हैं। अभी 1:30 हो गए हैं और मुझे जाना है खरार मोहाली, हाँ चंडीगढ़ मोहाली। तो चलिए फिर सफ़र शुरू करते हैं। चलिए जी अलविदा 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 अलविदा, विल मिस यू टू, विल मिस यू टू इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। या अल्लाह, आज का सफ़र जो है खैर खैरियत से गुजारना, अच्छे से गुजारना। हमने अपना सफ़र जो है शुरू कर दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत टाइम बाद लॉन्ग राइड फिर से शुरू हो गई है, इंशाल्लाह सब खैरियत से होगा। निम्स को बाय बाय, निम से जो है हम मिलेंगे इंशाल्लाह एक महीने के बाद। फिलहाल हम अपना सफर जो है शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अल्लाह। पेट्रोल फुल है, रिजर्व में भी रखा है, तो अभी पेट्रोल की टेंशन नहीं होनी चाहिए, होगी भी नहीं इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 107 किलोमीटर कंप्लीट कर लिए विदाउट एनी ब्रेक, अभी कोई भी ब्रेक नहीं ली, आराम से चल रहा हूँ 80-90 की स्पीड से, बस उससे ज़्यादा नहीं। ध्यान दे रहा है, रास्ता बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल साफ रास्ता है, आराम से चल रहा हूँ। बहुत कम ट्रैफिक है इस टाइम पे, अच्छे से ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो गर्मी का भी कोई इशू नहीं है इस टाइम पे। अगर मैं दिन में निकला होता तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होनी थी, गर्मी पसीना प्यास। तो नाइट में अभी यही देखो, मैं कभी ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप नाइट ट्रैवल करो, आप नाइट राइडिंग करो, कभी भी नहीं। लेकिन अभी मुझे कश्मीर जाना था, या तो मुझे बाइक यहीं पर फिर छोड़ देनी थी, मुझे ऐसे ही कश्मीर जाना था, वहाँ तो फिर नाइट राइडिंग जो है 110% रिकमेंडेड था। डे राइडिंग इम्पॉसिबल है बिल्कुल। मैं जयपुर गया ना कल, जब मैंने इससे पहले जो ब्लॉग आपने देखा, मुझे मैंने जयपुर तक की राइडिंग की थी, लेकिन मुझे पता है वहाँ तक क्या हालत हो गई थी मेरी, बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो गई थी। तो उस वजह से फिर क्या हुआ ना कि मैंने डिसाइड किया नहीं जी मैं रात में ही निकलूँगा। अभी मैं एक स्टिंग ब्रेक के लिए रुका हूँ, तो थोड़ा नींद को भगाते हैं, फिर अपना सफ़र जो है वो फिर से शुरू करते हैं। अभी 290 के करीब अभी और बचा है जहाँ तक मुझे जाना है आज। आज कंटिन्यू हम जम्मू नहीं कर सकते, तो बीच में हॉल्ट ज़रूरी है। फिर देखते हैं, या कल निकलेंगे या रात में निकलेंगे, वो डिसाइड कर लेंगे इंशाल्लाह, वो भी डिसाइड नहीं किया है। तो इस जगह एक छोटी सी ब्रेक ली है मैंने, ये रही अपनी ब्लैक ईगल, और रास्ता अभी तक ठीक ठाक ही मिला है, अच्छा रास्ता मिला। चलते हैं, अभी ब्रेक थोड़ा सा रेस्ट करता हूँ और फिर आगे की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह।
चले जी अभी अपना 280 किलोमीटर बचे हैं, ये भी कंप्लीट कर लेते हैं। इसमें हमें लगने वाले हैं 4 hours 51 minutes। हम 11 बजे के करीब पहुंचेंगे मोहाली, पहुंचना हमें वही ना चंडीगढ़ के करीब। आगे किसी जगह रुक के इंशाल्लाह ब्रेकफास्ट कर लेंगे। अभी सनराइज हो रहा है और बहुत ही खूबसूरत सनराइज हो रहा है। अभी बस बादलों में ही है, बस निकल रहा है बाहर। और अभी थोड़ी देर में ये इतना 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 ज्यादा खतरनाक हो जाएगा, कहने की बात नहीं है। इसलिए जितना जल्दी हम डेस्टिनेशन पर पहुंच सकते हैं उतना जल्दी पहुंचेंगे। ताकि अभी मैं और एक छोटी सी ब्रेक के लिए रुक गया हूँ। अभी हाईवे पे कोई नहीं है, मैं अकेला अभी राइड कर रहा हूँ। ये एक्चुअली अभी नया हाईवे है तो अभी इस पे गाड़ियाँ अलाउड नहीं है। मैप ने दिखा दिया तो मैं चढ़ गया। अभी 90 किलोमीटर और ये हाईवे आएगा, फिर हम फिर से जो है बाकी हाईवे के साथ कनेक्ट करेंगे। पेट्रोल है तब तक तो कोई टेंशन नहीं है आगे, क्योंकि 90 किलोमीटर तक कोई पेट्रोल पम्प नहीं मिलने वाला है, कोई रेस्टोरेंट नहीं मिलने वाला है, कुछ भी नहीं मिलने वाला है। ये देखो सुनसान सड़क यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो थोड़ा रेस्ट के लिए मैं रुका था क्योंकि मुझे नींद जैसी आ रही थी, तो नींद भगाने के लिए थोड़ी देर में यहाँ पे रुका हूँ, फिर चलेंगे हम आगे की तरफ। तो जी चलिए वापस ये सफर जो है शुरू करते हैं। 179 बचे, मैं क्या 190 बोल रहा था, 179 किलोमीटर 3 hours 25 minutes दिखा रहा है। चलते हैं फिर, बिस्मिल्लाह। ये रोड बिल्कुल खाली है, इसमें कोई है ही नहीं, कोई न्यू रोड है, अभी स्टार्ट नहीं हुई है। मुझे गूगल मैप इसी पे चढ़ा दिया यार, बस अब ठीक रहे सब, बंद बंद ना हो कहीं आगे कुछ बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी। ये लो जी, जिसका डर था वही हो गया, हाईवे से लाके सीधे ऑफ रोडिंग पे पटक दिया, वो भी दूर वाली ऑफ रोडिंग। अभी जो आगे आगे गाड़ी चल रही है इनको भी चंडीगढ़ जाना, तो उनको भी गूगल मैप ने जो है इसी रास्ते पे है पटक दिया है। अभी वो वाला रास्ता जो है अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन गूगल में आपने ऑन कर दिया है ऑलरेडी रास्ता, तो क्या कर सकते हैं, गलती तो है नहीं। अरे वाह, हम तो किसी गांव में आ गए हैं हरियाणा साइड से। पैसे देखो पानी के अंदर, बच्चे सुबह सुबह स्कूल जा रहे हैं। वाह जी वाह, क्या नजारा है यार, जबरदस्त। इन भाई साहब को जैसे ही हुक्का मिल जाता है ये रुक जाते हैं, जैसे हुक्का मिला बस ये रुक गए वहीं पे। अरे हुक्का देखा नहीं, देखो सब लोग हुक्के में लग गए। अभी मेरे साथ और एक बाइक वाले हैं जो अंबाला जा रहे हैं। हाईवे पे चढ़ने के लिए ना, हाईवे पे चढ़ने के लिए तो ये तो दिखा रहा है यहाँ से, फिर ऐसे ले। आज तो मैंने अलग ही लेवल का एडवेंचर कर लिया, अलग ही लेवल का। फुल गन्ना भैया जी, पेट्रोल की बारी सारा इंडिया घूमते हो। मैं जयपुर से है? जयपुर से आया। तो जी हमारा ब्रेकफास्ट आ गया है, ब्रेकफास्ट में आलू पराठा और दही। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खरर पहुंच गया हूँ, 11 किलोमीटर रह गए बस अपनी डेस्टिनेशन तक, और फिर हम अपने जसविंदर बाजी से मिलेंगे।
खोजी में लोकेशन पे पहुंच गया। ये है हमारी लोकेशन जहां पे हम रुकने वाले हैं आज। हेलो सर, हाउ आर यू? जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। इससे पहले वाली क्लिप जो आपने देखी थी उसमें मैं जेसी के पास आया था, और नेक्स्ट क्लिप आप देख रहे हैं मैं जेसी के यहाँ से निकल रहा हूँ। तो ज़्यादा मैं यहाँ पे रुका नहीं, कुछ ही घंटे रुक के रात हो गई, मतलब सुबह हो गई फिर से, और हम निकल गए। लेट्स गो। अच्छा, वापस पीछे से। तो आज का सफर हमारा चंडीगढ़ से, मोहाली से जम्मू की तरफ होने वाला है। देखते हैं कितना कर सकते हैं। फिलहाल तो हमारा जम्मू तक का सफर है 353 किलोमीटर, जिसमें लगने वाले हैं 6 घंटे और 8 मिनट। और जसी बाजी जो है बाहर तक मुझे ड्रॉप करेंगे हाईवे तक, और वहां से फिर ये वापस आ जाएंगे और मैं अपना हाईवे वाला सफर जो है वो कंटिन्यू करूंगा। इधर से ये रोड पकड़ साइड वाला। हाँ, दिखाया मैं आपने, NH 205 है ना, कंटिन्यू स्ट्रेट हाईवे पे होता है, स्ट्रेट से निकलता है। ठीक है, टेक केयर, ख्याल रखना अपना। आता हूँ मैं तो फिर चलते हैं, प्लान्स बनाए है ना। चल टेक केयर, आराम से जाना वापस। बाय बाय एंड थैंक यू। तो चलो जी, हम अपने हाईवे का सफर जो है अब शुरू करते हैं जम्मू तक का, और देखते हैं आज कहां तक हम जम्मू स्टे करेंगे, आगे स्टे करेंगे, ऐसा कोई प्लान है नहीं अभी, तो लेट्स सी दैट, वो आगे डिसाइड होगा इंशाल्लाह, अभी तो वैसा कुछ डिसाइड है ही नहीं। फिलहाल तो हम इस सफर को एंजॉय करते हैं, मॉर्निंग में ही जितना सफर हो सकता है उतना अच्छे से कर लेंगे। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। पेट्रोल फिल मैंने करा लिया है आज। सूरज जो है बड़ा खतरनाक होने वाला है, सनराइज हो रहा है लेकिन बड़ा खतरनाक वाला हो रहा है। सूरज को देख के मुझे लग गया कि क्या होने वाला है, धूप का क्या सिस्टम होने वाला है। मैं अभी आपको धूप का बोल रहा था और यहाँ बारिश शुरू हो गई, वो भी बहुत तेज। मैंने ना बाइक के बैग कवर करना है, फोन निकालना है, आगे जाके रुक जाते हैं वहां पे किसी जगह पर। लेकिन इतनी ठंडी बारिश है ना, क्या बोलूं मैं आपको, मजा आ गया। बस अब रुकने की जगह मिल जाए कहीं पे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जम्मू पहुंच गया हूं और यहां पे थोड़ा रेस्ट करने के लिए रुका हूं। यहां पे बस मैं आधा घंटा रुकूंगा ज्यादा से ज्यादा, और फिर आज ही मैं सोच रहा हूं कि मैं कश्मीर के लिए आज ही चला जाऊं। 300 किलोमीटर बचे हैं तो हो जाएगा। बाइक की हालत कुछ ऐसी हो चुकी है, पूरा मिट्टी मिट्टी, धूल हर जगह। इस्लाम कैसे आप? ठीक है, ठीक है, आप ठीक है सर? ठीक, टूर भी कैसे ना कन्याकुमारी? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत ठीक। आप सुना, आप ठीक है? और आप यही रहते हैं? हाँ, मेरा घर यहाँ। ये लो जी, हम मुड़ने वाले हैं श्रीनगर की तरफ। 259 किलोमीटर है यहाँ से, 259 किलोमीटर। लेट्स गो। ये है जी हमारा जम्मू श्रीनगर हाईवे। आप लंच डिनर कुछ भी नहीं किया करें, बस ऐसे ही आ करें। यहाँ धूल से खुद ही पेट भर जाता है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आपको लंच डिनर करने की। चाय भी ना पिए, आपको मिल जाएगा धूल में सारे पोषण मिल जाएगा आपको, विटामिन्स, मिनरल्स। हम जी पहुंचे हैं चिनानी नासरी टनल। कुछ राइडर्स हैं, मिल लेते हैं इनसे। हाउ आर यू इद्रीस? From Kashmir only. From Bangalore. Oh, great. I have been to Bangalore.
You are from? Pune. Pune. I have been Pune also. So Ladakh? No, actually I am going back to Kashmir. तो जी चिनानी हमने एंटर कर लिया है. दो राइडर्स और मेरे साथ है, एक पुणे से है, एक बेंगलोर भूल गया, जगह का नाम भूल गया. तो चलें चलते हैं, अभी इनको लद्दाख जाना है और मुझे जाना है गर बारामुल्दा. ये है मेरा जन्नत कश्मीर. हाय हाय हाय, सनसेट क्या ही खूबसूरत लग रहा है ना, क्या बोलूं मैं आपको, मजेदार मजा आ गया. ये ठंड मेरी हड्डियों में घुस गई ना, हाय मेरी फीलिंग्स इस टाइम क्या बोलूं मैं आपको, कहां है, किस गर्मी से मैं किस जन्नत में आ गया हूं. हाय 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 हाय, जबरदस्त. तो जी अल्हम्दुलिल्लाह हम काजीगुंड पहुंच गए, मतलब काजीगुंड के नजदीक ही है उससे पहले वाले मार्केट में. तो यहां पे हम रुके हैं चाय पीने के लिए. रमेश, हाँ तो रमेश भाई मुझे रास्ते में मिले थे तो तब से वहाँ पे साथ है. और दानिश भाई, हाँ दानिश भाई कहाँ गए, अच्छा वॉशरूम गए, तो यहाँ पे चाय पीने के लिए, वो हमारे एक सब्सक्राइबर हैं. तो बस अभी बाइक से यहाँ से ले जाके इनको कल लद्दाख निकलना है और मुझे बारामूला. शुक्रिया शुक्रिया सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू. बस 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 इसी में से ले लीजिए शिजाद, अच्छा मैं उनको दे रहा हूँ. भाई तेरा इंट्रोडक्शन दे रहे थे सर. ये हमारे दानिश भाई जो कि हैं पुणे से. अदनान, मैं दानिश बोल, बैंगलोर. आप महाराष्ट्र? महाराष्ट्र पुणे. पुणे भाई कैसे नाउ? तौसीफ. तौसीफ भाई यहीं से. कैसा रहा राइड अभी तक का? अब तक का दी बेस्ट है. तो अभी आगे जाके पता नहीं क्या होने वाला है. यहीं पे तो बैटरी लो हो चुकी है मेरी. एंट्री मेरा तो डे सिक्स है और डे सिक्स में इतना कश्मीर में एंटर होने से पहले सर के साथ जो राइड हुआ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और सर के साथ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा. थैंक यू. और एक बात, अभी हम सर से मिले थे वो कौन से, जब घाट से पहले टनल पे हम लोग खड़े थे और सर जा रहे थे, लेकिन फिर भी हम जब देखे बाइकर को ये वापस देखिए यूटर्न खुद ले गया है. और एक चीज सर, इतने हम्बल है, इतने हम्बल, इतने फ्रेंडली बाइकर्स की रेस्पेक्ट. फर्स्ट हम लोग बहुत लोगों को मिले लेकिन सर के जैसा बंदा आज तक नहीं देखा. और लिटरली और सर का फैन फॉलोइंग हम लोग वहाँ से देखते आ रहे हैं और यूट्यूब पे ना इंस्टा पे देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं हम लोग. ये लोग जो है डल लेक की तरफ जा रहे हैं और मैं जा रहा हूँ बारामूला की तरफ. और हमारे और एक दोस्त है, क्या सुनो, नवाज अंसार, ठीक माशाल्लाह. तो यमुना एक्सप्रेस कौन सी से थी, है ना, उनको डल लेक पे छोड़ दो आप, ठीक है. सो चलूं मैं, हाउ वाज द राइड, करते हैं इंशाल्लाह प्लान कोई राइड, हाँ कोई ना कोई राइड प्लान करते हैं. नंबर दे दिया मैं उनको, हाँ पक्का पक्का पक्का. टेक केयर, हाँ टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम, चलो टेक केयर ब्रो, ठीक है. यूनिज है वहाँ पर, विजक है, ठीक है. तो रास्ते में एक जगह में रुका, यहाँ पे कुछ सब्सक्राइबर्स मिले. ताकेश ना तजमुल तो है, इश्फाक यहाँ से भी है. वो कोई ज़्यादा पास पास की